नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजू हेल्प में। पूरे भारत के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब मुफ्त राशन 5 वर्ष के लिए मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, PM गरीब कल्याण योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को 5 साल के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। अब इस योजना की अंतिम तिथि को 5 साल तक बढ़ाया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि पहले PM गरीब कल्याण योजना केवल 31 दिसंबर को ही समाप्त हो रही थी। मुफ्त अनाज योजना की अवधि 31 दिसंबर थी और 31 दिसंबर के बाद इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रचार अभियान के दौरान वादा किया है कि अब इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आज के उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सरकार 81.35 करोड़ लोगों को देती रहेगी मुफ्त अनाज। 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई PM गरीब कल्याण योजना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। समाज कल्याण से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहेगा। गत मंगलवार को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 के मई में आरंभ की गई इस योजना की अवधि आगामी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक चलने वाली इस योजना के मद में सरकार पर 11.80 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान लगाया गया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनाज के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए इस खर्चे का अनुमान लगाया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में अपने हिस्से का मुफ्त अनाज ले सकेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक जारी रखने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों में गरीब अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, जबकि अन्य गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। ग्रामीण इलाके की लगभग 75% आबादी को सरकार की इस योजना से लाभ मिल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न गेहूं, चावल और मोटा अनाज, पोषक अनाज का वितरण खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा और निर्धन और निर्बल वर्गों की वित्तीय कठिनाइयों में कमी लाएगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना को चलाने के लिए अनाज की कोई कमी नहीं है और भविष्य में भी कोई कमी नहीं आएगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में इसका ऐलान किया था तो विपक्ष विफल पड़ा था और चुनाव आयोग में शिकायत तक की बात हो रही थी कि दरअसल यह योजना न सिर्फ समाज कल्याण से जुड़ी है बल्कि पिछले कुछ चुनावों में इसका राजनीतिक महत्व भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुधवार को कैबिनेट के निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि अब इस योजना की अवधि को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इससे दोस्तों, पूरे देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस योजना के बारे में या प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।